हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजी पे के न्यू अपडेट के बारे में। यहाँ पर कुछ यहाँ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप लेट पेमेंट वगैरह करते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल को अगर टाइमली पे नहीं करते हैं तो क्या कुछ पूरा अपडेट है, डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आपसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेजी पे के बारे में। लेजी पे एक बाय नाउ पे लेटर आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, और आपको पता होगा कि RBI की तरफ से बहुत बड़ा एक गाइडलाइंस आया हुआ था जितने भी हम बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अभी न्यू दिए गए हैं जिसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, उनको जो PPI सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वो सारे जितने भी बाय नाउ पे लेटर वगैरह एप्लीकेशन हम यूज़ करते थे, तो उनको बैन कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर रही हैं। तो अभी लेजी पे में क्या चेंजेस आया है इसके बारे में आपको हो सकता है मेल भी मिला हो, जैसे कि मुझे मेल रिसीव हुआ है और इसी में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने मेल को ओपन कर लिया है और इस पर मैं क्लिक, तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जो चेंजेस हैं अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे, इस महीने से नहीं होगा। और इसमें पहला नंबर का जो चेंज है लेट फीस को है, और दूसरा जो चेंजेस है इंटरेस्ट को लेकर आया हुआ है, और तीसरा जो चेंज है पैरिशल पेमेंट चार्जेस है। यहाँ पर हमें PDF भी रिसीव हुआ है, चलिए मैं आपको PDF डाउनलोड करके डिटेल में बताता हूँ से कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो हमारे पास ये PDF आ चुका है और यहाँ पर मैं आपको चार्जेस दिखा देता हूँ। देख सकते हो शेड्यूल ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल टू फैसिलिटी, इंटरेस्टेड जो है पहले आपसे 3% पर मंथ के अकॉर्डिंग लिया जाता था, अगर हम एनुअल बात करें तो 36% पर एनुम आपको पे करना पड़ता था, अब इसे बढ़ाकर 4% पर मंथ कर दिया गया है, 48% पर एनुम कर दिया गया है। अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं और 10,000 रुपये जो है आप एक तरीके से लेकर 3 तरीके तक जब बिल जनरेट हो जाता है आपका तो पे कर देते हैं, तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप 10,000 में से 5,000 रुपये पे करते हैं तो बाकी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके पास बच गया 5,000 रुपये, उस पर आपको 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें तो 175 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किया है, 2,000 रुपये आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 8,000 रुपये बच जाएगा, तो उसमें 3.5% के अकॉर्डिंग आपसे चार्जेस लिया जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट बनता है 280 रुपये। तो ये आपको एक्स्ट्रा में पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 10,000 की 10,000 पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो 10,000 बच जाएगा उस पर आपको 3.5% का चार्जेस पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट आपको 350 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। यहीं पर बात कर ले, अगर आप EMI में कन्वर्ट करके पे करते हैं तो इसके ऊपर भी पहले आपसे 3% पर मंथ चार्जेस लिया जाता था, 36% पर एनम आपको देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, पर एनम जो है आपको 48% का चार्जेस पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेशन के जरिए बताएं एग्जांपल के थ्रू, तो 10,000 में 10,000 रुपये अगर आप पे कर देते हैं तो कोई भी आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं बचता, तो किसी भी तरह का EMI नहीं बनेगा। लेकिन 10,000 में से अगर आप 5,000 पे कर देते हैं तो उसके ऊपर जो आपको 175 रुपीज अलग से पे करने पड़ेंगे 3.5% के अकॉर्डिंग, टोटल में आपको 5,000 प्लस 175 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इसमें आपको कन्वेंशन फी वगैरह भी लग जाएगा और इसको आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। EMI में कन्वर्ट करोगे तो आपको 570 रुपये पर मंथ जो है EMI पे करना पड़ेगा 12 महीनों तक। और यहीं पर अगर हम बात कर ले, अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हो जिसमें से आप 2,000 रुपये अगर पे करते हो तो यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाता है 8,000 रुपये, जिसको आप EMI में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 8,000 प्लस 280 रुपये एक्स्ट्रा में पे करने पड़ेंगे। और 12 महीनों का अगर हम EMI की बात करें तो 827 रुपये आपके पर मंथ EMI बनेगी। और यहाँ पर EMI चेकआउट देख सकते हो आप, यह डिटेल में बताया गया है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आपकी रहती है तो कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फीस के बारे में, लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हो और 10,000 रुपये पे कर देते हो तो आपका कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं रहता है, लेकिन आप 5,000 रुपये पे करते हो तो इसके ऊपर आपको पेमेंट तो इसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करोगे, यानी 10,000 रुपये आपने खर्च कर लिए, नेक्स्ट मंथ में आप कोई भी पेमेंट नहीं करते हो, तो इसके ऊपर आपको 4% का जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ न्यू चार्जेस है अगर आप लेजी पे अकाउंट को यूज़ करते हैं और इसकी टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था जो कि मुझे लगा आप लोगों को फटाफट से बता देना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाकर दे रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ आज का ये शॉर्ट वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।